जो है वो चोरी हो चुकी है और दो गाड़ियों की मतलब शीशा वीशा तोड़ के सारा जो हमारे पास लैपटॉप वगैरह था वो सब कुछ चुरा के ले गया। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो गाइस ये आप देख सकते हो पूरा शीशा तोड़ के यहाँ से। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड अभी जो आपने क्लिप देखा तो वो बिल्कुल रियल है फ्रेंड्स। और ये है ना न्यूज अभी अभी जस्ट मुझे है ना मिली है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आप लोगों ने जो क्लिप में देखा बिल्कुल सही है कि अरमान मलिक और कृतिका मलिक और पायल मलिक जो है उनको तो सभी जान रहे हैं फ्रेंड्स, तो उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है फ्रेंड्स। क्या हादसा हुआ है ये मैं आपको आगे आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग बने रहिए चैनल पर। और दो गाड़ियों की मतलब शीशा वीशा तोड़ के सारा जो हमारे पास लैपटॉप वगैरह था वो सब कुछ चुरा के ले गया। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो गाइस ये आप देख सकते हो पूरा शीशा तोड़ के यहाँ से सामान निकाला गया है। लैपटॉप ले गए, हमारा लैपटॉप ले गए एप्पल का, और भी चीजें थी पीछे हमारी फॉर्च्यूनर में, बहुत सारा सामान और भी पड़ा हुआ। तो फॉर्च्यूनर का तो पता ही नहीं कि कहाँ पर है गाइस, वो हमारी गाड़ी मिल नहीं रही है। एक्सयूवी का और हमारे इल्काजा का दोनों का शीशा तोड़ा हुआ है और एक्सयूवी में ब्लड भी है। तो चीख हुआ भी रो रहा था, मैंने कहा रोने से कुछ नहीं होगा, जो नुकसान हो गया वो हो गया, रोने से कुछ नहीं होगा। अब हमने पुलिस को बुलाया, अब देखो पुलिस क्या करती है। तो गाड़ी में हमारा लैपटॉप भी था और लैपटॉप में हमारे सारे चैनल्स खुले हुए हैं। तो अभी गोलू जो है ऑन द स्पॉट चैनल्स जो है उनके पासवर्ड चेंज कर रही है, क्योंकि हमारी तो रोटी भी वहीं से आती है। अब इतना बड़ा नुकसान हुआ, समझ भी नहीं आ रहा कि बोले क्या। मतलब हमारी ही तीन गाड़ियाँ किसी ने हमें टारगेट किया है, मतलब सबको पता ही था कि हम लोग यहाँ शादी में आने वाले, किसी ने मेनली टारगेट हमें किया है। और हमारी ही तीनों गाड़ियों के साथ एक गाड़ी चोरी हो गई है और दो गाड़ियों पे इन्होंने तोड़ के खा दिया। तो गाइस हम लोग होटल आ गए हैं और चिकू के पापा ना पुलिस स्टेशन गए हैं FIR लिखवाने के लिए, क्योंकि सारी की सारी ना डीप में FIR होगी कि गाड़ी कौन सी थी, नंबर कौन सा था, क्या कौन सा था। तो उन्होंने बोला कि तुम लोग चले जाओ, नितिन भैया वहीं हैं, मैं चीकू पायल आ गए हैं। और बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है इस चीज की कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, समझ नहीं आया। मतलब कि हम लोगों ने क्या किया, गाड़ी अगर हमने खड़ी भी की थी तो तीनों गाड़ी बिल्कुल लवण्या के सामने खड़ी की थी और दोनों गाड़ियों के शीशे तोड़े, लैपटॉप ले गए, कैमरा ले गए, बैटरी ले गई, और भी बहुत सारी चीजें थी। हमें याद भी नहीं है कि मेरी गाड़ी में क्या क्या सामान था क्या नहीं। तो आपने देखा फ्रेंड्स कितना बड़ा हादसा हो गया है अरमान मलिक के साथ। और जैसा कि उसकी वाइफ पायल ने बताया कि कोई है ना कुछ कोई लोग हैं जो उनके मतलब बहुत पीछे लगे हुए हैं और ये है ना उन लोगों ने ही इस हादसे को अंजाम दिया है। तो कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि उसका शक सही भी हो सकता है, या तो कोई उनका अपना हो, या फिर आजकल होता है ना कि जब सोशल मीडिया पे आते हैं फेमस हो जाते हैं तो उनके बहुत लोग दुश्मन भी बन जाते हैं, तो कोई तो जरूर है। तो अभी देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि वो जो है उनके जो एक कार चोरी हुई है और दो कार को नुकसान पहुंचाया गया है, तो उनका उनके साथ जो भी इस मतलब इस घटना को जिसने भी अंजाम दिया है वो कब तक है ना पुलिस के गिरफ्त में आते हैं, कब तक वो पकड़ाते हैं। तो जैसा भी और पायल मलिक जैसा कि बता रहे थे कि उस कार में जो है ना लैपटॉप था उसमें है ना उसके सारे जो चैनल के है ना मतलब खुले हुए थे, और उसका जो है पासवर्ड चेंज मतलब अभी है ना वो कृतिका मलिक कर रही है, मतलब है ना उसके मतलब हर चीज है ना मतलब उस लैपटॉप में था जो है ना सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हर चीज था, तो इसलिए है ना वो ज्यादा परेशान थी। और कार भी चोरी हुई है फ्रेंड्स और दो कार को नुकसान भी पहुंचाया है, तो पता नहीं किसने किया ये तो अभी क्लियर नहीं है। तो जब भी पता हो जो भी होगा तो आगे आप लोगों को पता चल ही जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ भी बात छुपा नहीं रहता है फ्रेंड्स। और आज मैं सुबह से ना कोई फ्रेंड वीडियो नहीं डाल पाई थी, क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है फ्रेंड्स, अगर इसलिए मैं आज कुछ भी ना मतलब वीडियो वगैरह ना शूट कर पाई ना ही एडिट कर पाई। देखती हूँ कल मैं अगर शूट कर पाऊंगी तो कल डालूंगी। देखिए अभी भी मैं लेटी हुई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत अभी सही नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं वीडियो का यहीं करती हूँ एंड, और अपना प्यार और सपोर्ट अपना जो है आप लोग ऐसे ही बनाए रखिएगा। बाय, टेक केयर।